मॉर्निंग बच्चों, लास्ट क्लास में मैंने आपको आयोन्स के बारे में पढ़ाया था, नेमिंग ऑफ कैटायंस के बारे में बताया था कि जो कैटायंस होते हैं उनकी नेमिंग कैसे की जाती है, और कहा था कैनायंस के बारे में बाद में बताऊं। मैंने कहा था ये जो पॉजिटिव और निगेटिव आयन्स होते हैं जिन्हें आप कैटायंस एंड एनायंस कहते हैं, इन्हें हम एक और नाम दिया करते हैं रेडिकल्स। पॉजिटिव रेडिकल यानी कैटायंस, निगेटिव रेडिकल यानी एनायंस। आइए, पॉजिटिव से मैं आपको मिला चुका था, मिलते हैं निगेटिव रेडिकल्स यानी एनायंस से। पहला पॉइंट कहते हैं ये जो एनायंस या निगेटिव रेडिकल्स होते हैं दे आर फॉर्म्ड बाई नॉन मेटल्स मैनली। मैनली इन्हें बेटा कौन बनाता है? नॉन मेटल्स बनाते हैं। और मैंने आपसे कहा था किसी भी एनायन में हमेशा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स से ज्यादा होते हैं, इसी कारण इन एनायंस पर कैसा चार्ज आ जाता है? निगेटिव चार्ज। आइए इन एनायंस के बारे में थोड़ा सा सीखते हैं। सबसे पहले नंबर पर हम बात करते हैं इन एनायंस की नेमिंग कि यदि हमें किसी एनायन का नाम लिखना है तो आप इसका नाम कैसे लिखते हैं। तो याद रखिए सबसे पहला पॉइंट कि जब भी आप किसी एनायन का नाम लिखेंगे तो ये हमेशा एंडेड होता है, इट ऑलवेज एंडेड विथ। किसमें एंडेड होगा बेटा? या तो आई डी ई आईड इसमें, और यदि इसमें एंडेड नहीं हो रहा तो ये एंडेड होता है और आइट या एट में, दोनों में फर्क क्या है? कहते हैं इसमें डमडम वाला डी होता है, डमडम वाला डी, और जो पड़ोस वाला है इसे ध्यान से देखिए तो इसमें पाया जाता है टोमेटो वाला टी यहां भी और टोमेटो वाला टी यहां भी। तो दोनों को मोटा मोटा डिफरेंशिएट करने का तरीका यह होता है, याद रखिए जहां टोमेटो वाला टी होता है, टोमेटो तो समझते होंगे बेटा, व्हाट इज टोमेटो? टोमेटो यानी टमाटर। तो टमाटर कैसा होता है? लंबा के चौकोर गोल होता है। तो टमाटर गोल गोल होता है तो गोल गोल बना दीजिए, यहां पे ऐसे करके बना दिया। क्या बनाया बेटा आपने? टोमेटो। अरे नहीं भाई, अपन सब्जी थोड़ी बेच रहे हैं, यह है ऑक्सीजन। तो जब भी कभी नाम में आइट या एट लगता है हमेशा याद रखिए आपके एनायन में जरूर मौजूद होती है ऑक्सीजन। अब थोड़ा सा और जरा इसको समझिएगा डिफरेंशिएट करने के लिए, एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे मान लीजिए उसने बोला है इसका नाम बताइए क्या है, या उसने बोला है कि इसका नाम बताइए क्या है। तो पहले ये बताइए कहीं इसमें ऑक्सीजन है? नहीं। तो इनके नाम में डमडम वाला डी आएगा, यानी सीएन माइनस का नाम होगा साइनाइड और एन थ्री का नाम होगा नाइट्राइड। सवाल है सर आपने नाम कैसे लिखी? तो दो मिनट में सिखाता हूं। अब देखिए इसी में क्या कर देता हूं, मैं लिख देता हूं सी एन ओ माइनस, क्या इसमें ओ आ गया? तो अब इसके नाम में टोमेटो वाला टी लगता है, इसका नाम होता है बेटा साइनेट। क्या नाम है? साइनेट, टोमेटो वाला। तो हमेशा याद रखिए जहां पर नाम में टोमेटो वाला टी लगेगा वहां पर हमेशा आपको मिलेगी गोल गोल ऑक्सीजन, ऑलवेज रिमेंबर ऑलवेज। आइए मैं इसको थोड़ा सा और डिफरेंशिएट करके आपको सिखाता हूं। तो मैंने आपको जो बातें बताई हैं उनको पढ़ने की कोशिश करते हैं जरा। सबसे पहले किसकी बात कर लेते हैं? इनकी, जिन्हें आपने क्या नाम दिया था? आइड। कैसे पता चलेगा कौन आइड है, कैसे हम इसे जज करेंगे? आइए मैं आपको सिखाता हूं। पहले आइड पे आते हैं। कहते जो आइड होते हैं वो यूजुअली कैसे होते हैं? मोनो एटॉमिक एनायंस। यूजुअली कैसे हैं? मोनो एटॉमिक एनायंस, बट ऐसा नहीं कि पॉली एटॉमिक नहीं होते, बट पॉली एटॉमिक आल्सो, यानी पॉली एटॉमिक भी होते। अब सवाल है कि सर ये मोनो एटॉमिक और पॉली एटॉमिक का मतलब क्या होता है? तो आइए मैं आपको समझाता हूं। पहले तो मोनो एटॉमिक समझ लीजिए। मोनो का मतलब होता है एक, यानी इनमें आपको हमेशा मिलेगा अकेला एटम, और इस अकेले एटम पर होगा निगेटिव, यानी अकेला एटॉमिक एनायन। कहते क्या मतलब हुआ? अकेला समझना। जैसे हम केवल सीएल लिखेंगे तो अकेला और कुछ नहीं लिखेंगे इसके साथ, जैसे हम केवल ओ लिखेंगे और कुछ नहीं लिखेंगे इसके साथ, और इस पर चार्ज लगा देंगे -1, इस पे लगा देंगे -2, तो ये कहलाते हैं कैसे?
मोनो एटॉमिक एनायंस। पर यहीं पर यदि मैं कह दूं ओ टू माइनस, तो ये अकेला ओ है कि दो है? दो है बेटा, तो ये कैसा हो गया, डाई एटॉमिक या पॉली एटॉमिक। तो यूजुअली तो ये मोनो एटॉमिक होते हैं, पर कभी कभी पॉली एटॉमिक भी हो सकते हैं, ये याद रखिए। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ये तो हमने बात की है आइड की, अब जरा हम बात कर लेते हैं आइड के बाद दूसरे वाले की, जिसे आपने बोला है क्या, आइट या एट, इनके बारे में। इनको हमेशा याद रखिए, ये हमेशा होते हैं पॉली एटॉमिक, ऑलवेज। यानी पहली बात, ये कभी मोनो एटॉमिक नहीं हो सकते। पॉली का मतलब होता है दे हैव मोर देन वन डिफरेंट एटम्स, यानी पहली शर्त, इसमें एक से ज्यादा एटम्स होंगे पहली शर्त, और वो होंगे कैसे, डिफरेंट एटम्स होने चाहिए, ये दूसरी शर्त है। और मैंने कहा था इनमें एक एटम कॉमनली जरूर होगा, वो कॉमनली एटम कौन सा होगा, ऑक्सीजन। तो आइट या एट कैसे, पॉली एटॉमिक ऑलवेज, ये हमेशा पॉली एटॉमिक है, यानी एक से ज्यादा डिफरेंट एटम्स होंगे, जबकि आइड जनरली मोनो एटॉमिक होते हैं, कभी कभी पॉली एटॉमिक भी हो जाते हैं। तो आइए दोनों को और थोड़ा सा ढंग से सीखने की कोशिश करते हैं, वन बाई वन, एक एक करके। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको सिखाता हूं वो एनायंस जिनके नाम में क्या लगता है, आइड, यानी एनायंस एंडेड विद नेम आइड, ये कौन कौन से होते हैं। तो चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहला, दुनिया में जितने भी मोनो एटॉमिक एनायंस सारे के सारे। अब सोचने वाली बात है, इसमें एक एटम लिखा है तो मैं उसे एटम बोलूं, अकेला या एलिमेंट बोलूं, एक ही बात है। कैसे लिखे जाते हैं समझिएगा इनको। आप सिंपली किसी एलिमेंट को ले लीजिए, उम्मीद है आराम से ले सकते हैं। इस एलिमेंट में जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स या जो इसका ग्रुप नंबर है, क्या बोला बेटा, ग्रुप नंबर, या इसी को बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इन्हें ऊपर लिख लीजिए और इसमें से माइनस कर दीजिए आठ। जैसे आप आठ माइनस करेंगे, जो कुछ आपको मिलेगा उसका नाम होगा एलिमेंटाइड। क्या नाम होगा बेटा, एलिमेंटाइड। अब समस्या यह है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि एलिमेंट का ग्रुप नंबर क्या है, जनरली हमें याद होता है, नहीं तो मैं अभी दो मिनट में आपको दिखा देता हूं। एक आध एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कार्बन है, नाइट्रोजन है, पता है कार्बन किस ग्रुप का मेंबर है, चौथे ग्रुप का, नाइट्रोजन किस ग्रुप का है, पांचवे ग्रुप का, पता है नहीं पता है, तो दो मिनट रुकिए अभी सिखाता हूं। अब थोड़ा सा आगे बढ़िए, कितना घटाना है, इसमें से भी आठ, इसमें से भी आठ, चार में आठ घटाइए भैया, कितना बचेगा कार्बन के ऊपर, माइनस का चार, एनायन बनाना है ना बेटा, नाइट्रोजन में पांच से आठ घटाइए कितना बचेगा, माइनस का तीन, तो ये कहलाते हैं एलिमेंटाइड। नाम बताइए, कार्बन, तो इसका नाम हो गया कार्बाइड, कार्बन से बना। नाम बताइए नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन से बन गया है नाइट्राइड। तो ये सबसे पहले हैं जिनके नाम में आता है डम डम वाला डी, आई डी ई। अब हमारे पास एक समस्या ये है कि सर ग्रुप नंबर या वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमें कैसे पता चलेंगे एलिमेंट्स के, तो उसके लिए भैया हमें पीरियोडिक टेबल पढ़नी पड़ती है। अभी तो हमारे पास टेबल है नहीं, लेकिन आइए मैं आपको थोड़ा सा सिखा देता हूं टेबल की मदद से। आइए यदि हम पीरियोडिक टेबल में नॉर्मल एलिमेंट्स को देखें, तो सबसे पहला ग्रुप होता है फर्स्ट ए, फिर ग्रुप होता है सेकेंड, फिर ग्रुप होता है थर्ड, थर्ड के बाद बेटा ग्रुप आता है चौथा, फोर्थ के बाद ग्रुप आता है फिफ्थ, फिफ्थ के बाद ग्रुप आता है सिक्स्थ, सिक्स्थ के बाद ग्रुप आता है सेवन्थ, और सेवन्थ के बाद सबसे लास्ट में आता है जीरो ग्रुप, या कुछ लोग एटीनथ ग्रुप भी कहते हैं, बट आई एम टेकिंग जीरो ग्रुप। चलिए आइए, हालांकि कुछ लोग इसे एटीन ग्रुप भी कहते हैं, पर मैं इसे जीरो ही लिख रहा हूं। ये आपके पास क्या है, ग्रुप नंबर्स, ध्यान से सबके ग्रुप नंबर जरा देख लीजिए, आपके सामने नजर आ रहे हो, क्लियर है। चलिए भाई अब जरा हम इन्हें शुरू करना चाहते हैं। फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट बताइए कौन कौन से होते हैं, तो होता है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम,
फ्रांशियम। पर ये सारे मेटल्स होते हैं और मेटल्स का यहाँ कोई काम नहीं है क्योंकि हम यूजुअली एनायंस नॉन मेटल से बनाते हैं। दूसरे नंबर पर आ जाइए बेटा, दूसरे नंबर पर आपके पास कौन आ रहा है, सेकेंड डे में कौन कौन होता है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम एंड रेडियम। ये भी सारे के सारे एलिमेंट्स मेटेलिक हैं, इनसे भी कोई खास लेना देना नहीं है। थोड़ा सा आगे आ जाते हैं अब हम लोग। अब हमारे पास जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो एलिमेंट कौन से आ गए हैं बेटा, थर्ड ए ग्रुप के। थर्ड ए ग्रुप में जो एलिमेंट्स होते हैं यदि उनकी बात करें तो ये है बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम और लोहिनियम एंड एच। जरा आइए, क्योंकि हम इनको देख रहे हैं तो इनको एक एक करके हमें याद भी करने पड़ेंगे। कैसे याद होंगे ये आपको मैं सिखाऊंगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, सब याद हो जाएंगे। फोर्थ ग्रुप में आइए, कौन होता है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड एंड एफएल फ्लोवेरियम। पांचवे पर आ जाइए बेटा, पांचवे में आपके पास एलिमेंट्स होते हैं कौन कौन से, आइए, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ एंड मॉस्कोवियम एमसी। छठे पे आ जाइए, ऑक्सीजन फैमिली जिसे कहते हैं, छठे में हमारे पास पाए जाते हैं, छठे में कौन होता है बेटा, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलीरियम, पोलोनियम एंड लिवरमोरियम एलवी। आगे आ जाते हैं थोड़ा सा, आप पीरियोडिक टेबल से देख सकते हैं, सारे आपको पीरियोडिक टेबल में मिलेंगे बेटा। सेवेंथ में आ जाइए, कौन होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, आयोडीन के बाद एस्टेटीन, एस्टेटीन के बाद टेंसनी। जीरो ग्रुप में आ जाइए, सबसे लास्ट जीरो ग्रुप में आपके पास कौन कौन, आपके पास होता है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन, ऑग्नीरॉन। ओ जी, ले जी, ये आपके पास एलिमेंट लिखे। चलो एक बार याद करने का तरीका सुनिएगा, ये तो आपको याद होंगे, ली ना के रब सीज फायर, ली ना के रब सीज फायर, भिख मंगे का सर बड़ा। पर ये सारे के सारे एलिमेंट्स यहां से लेकर यहां तक ध्यान से देखेंगे तो ये आपको मेटेलिक नजर आएंगे, ठीक है ना। लीना के रब सीज फायर, भिकमंगे का सर बड़ा। यहां से बैंगन, आलू, गाजर इन थाली नहीं, या बैंगन, आलू, गाजर इन्हें तोलो नहीं, बैंगन, आलू, गाजर इन्हें तोलो नहीं, तोलना नहीं है। कौन सा ग्रुप है, फोर्थ ग्रुप, सॉरी थर्ड ग्रुप। फोर्थ में आ जाओ भैया, ये नॉन मेटल है कार्बन से, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, फ्लोरीन, क्या नाम कैसे पढ़ेंगे, का सी जी, का सी जी, सुन लें फुल, का सी जी, सुन लें फुल, पूरी तरह से सुन लें फुल, क्या सुन लें, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। और ये एमसी लिखा है, एमसी का मतलब समझ सकते हैं, मैं नहीं बोलूंगा, उससे टी टी ई टी पो, उससे टीपो, टीपो यानी कॉपी करना, उससे टीपो लवी, लवी किसी लड़की का नाम है तो उससे कह रहे, उससे टीपो, उससे टीपो लवी, उससे टीपो लवी। हेलोजन में आइए, फिर कल बाहर आई आंटी टशन में, टशन में आइए, देख फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी टशन में, क्या बोली, हीना, नीना और करीना, क्या बोली, हीना, नीना और करीना, के आर है बेटा ये, करीना जिंदा रहना, हीना, नीना और करीना जिंदा रहना और जीना, जीना मतलब मजे करो भाई, जियो और जीना, ठीक है, जियो दन दना दन वाला जीना। फिर से देखना, लीना के रब सीज फायर, भिख मंगी का सर बड़ा, बैंगन, आलू, गाजर इन्हें तोलो नहीं, का सी जी, सुन लें फुल पूरी तरह से, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी एम सी, उससे टीपो लवी, फिर कल बाहर आई आंटी टशन में, हीना, नीना और करीना, हीना, नीना और करीना जिंदा रहना और जीना।
लीजिए ये हैं एलिमेंट्स और सबके ग्रुप आपको पता चल गए हैं, ये फर्स्ट ग्रुप है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, सेवंथ है एंड जीरो। याद रखिए यहां तक जो ग्रुप नंबर है वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बेटा 1। यदि पूछा जाए कि इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताइए तो इसके होते हैं 1, इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, इसमें होते हैं 3, इसमें होते हैं 4, इसमें होते हैं 5, इसमें होते हैं 6, इसमें होते हैं 7, और यह ऑक्टेट पूरी होती है तो इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 8। हीलियम को छोड़कर इसके वैलेंस में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्लियर है बेटा? तो ये एलिमेंट है देखिए पीरियोडिक टेबल के, मैंने आपको याद भी करा दिए। लीना के रब सीज फायर, भिख मंगे का सर बड़ा, बैंगन आलू गाजर इन्हें तोलो नहीं, काशी जी सुन ले फुल, पूरी तरह से नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिकारी एमसी, उस से टीपो लवी, फिर कल बाहर आई आंटी टेशन में, हीना नीना और करीना, जिंदा रहना और जीना, जियो दन दनादन। क्लियर? चलिए बस आगे बढ़ जाते हैं। थोड़ा सा मुझे जरूरत थी इनके ग्रुप नंबर की, इसलिए मैंने आपको ये बताया। बाकी क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में हम इन्हें फिर से पढ़ेंगे। तो आइए वापस आ जाता हूं। तो मैंने आपको क्या सिखाया था? मैंने आपको सिखाया था कि यदि ये हमारे पास क्या है बेटा, कोई एलिमेंट है और हम इस एलिमेंट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स या इसी को आपने क्या बोला था ग्रुप नंबर लिखें और इसमें से 8 घटा दें तो यही एलिमेंट किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एक एनायन में, और उस एनायन का नाम होता है एलिमेंटाइड। ये आपका सिंगल लाइन का पहला कॉन्सेप्ट आइड वाला। आइए मिलते हैं थोड़े से एलिमेंट से और देखते हैं कौन कौन से ले रहे हैं। मैंने कार्बन लिया है, मैंने नाइट्रोजन लिया है, ऑक्सीजन लिया है, सल्फर लिया है, फास्फोरस लिया है, क्लोरीन लिया है और एक हाइड्रोजन भी ले लेते हैं। जरा बताइए कार्बन किस ग्रुप का है? चौथे ग्रुप का। तो 4 में से कितना घटाएंगे? 8, कितना आएगा? माइनस का 4। ग्रुप में से 8 घटा लो बेटा। नाइट्रोजन किस ग्रुप का है? 5वें। 5 में 8 घटाएंगे, कितना आएगा? माइनस 3। यस और नो? फिर से आगे बढ़ जाइए। ऑक्सीजन 6 ग्रुप का है, 6 में 8 घटाएंगे, माइनस 2। सल्फर किस ग्रुप का है? 6 ग्रुप का, 6 में 8 घटाएंगे, माइनस 2, यहां पर भी आएगा। फास्फोरस किस ग्रुप का है? 5वें ग्रुप का, यदि इसमें घटाएंगे तो 3 आएगा। क्लोरीन में माइनस 1 आएगा और हाइड्रोजन पे माइनस 1 चार्ज लगाया जाता है क्योंकि हाइड्रोजन से 2 ही घटा सकते हैं, 8 तो बहुत दूर हो जाता है। चलिए अब इनके नाम लिखने बेटा। सी पर माइनस 4 है तो क्या नाम बताया मैंने? कार्बाइड। ये सारे मोनो एटॉमिक हैं, ध्यान से देख लीजिए, एक एक एटम है। नाइट्रोजन में क्या नाम बताया बेटा मैंने आपको? नाइट्राइड। ऑक्सीजन का नाम जानते हैं अच्छे से, व्हाट इज इट? ऑक्साइड। एस का नाम पता ही है बेटा सल्फर से, सल्फाइड। फास्फोरस से फॉस्फाइड। सीएल से क्लोराइड और हाइड्रोजन से हाइड्राइड। हाइड्रोजन से हाइड्राइड। लीजिए ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? एलिमेंटाइट्स। कोई डाउट है आपको? बिल्कुल आसान सा काम था, कुछ भी ऐसा नहीं है जिसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात हो। तो पहला तरीका तो ये था। आइए चलते हैं दूसरे, यानी जितने मोनो एटॉमिक हैं वो सारे के सारे एनायन हमेशा क्या होते हैं? एलिमेंट टाइप। आइए कहते हैं दूसरे नंबर, कहते हैं पॉली एटॉमिक, कम है पर है, पॉली एटॉमिक एनायन ऑफ सेम एटम या एलिमेंट, सेम एलिमेंट और एटम। इसका मतलब यह है कि पॉली एटॉमिक यानी एक से ज्यादा एटम्स होंगे पर वो एटम्स सेम एलिमेंट या सेम एटम्स होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने ओ लिया, अब इस ओ को एक से ज्यादा लिया ओ टू, इस पर माइनस का 2 लगा दिया, इसके नाम में भी आइड आता है और इसको हम बोलते हैं पर ऑक्साइड। इसी तरह से बेटा मैंने O2 लिया, माइनस 1 लगाया, इसमें भी आइड आएगा और इसका नाम होता है सुपर ऑक्साइड। क्या नाम होता है? सुपर ऑक्साइड। इसका नाम होता है परऑक्साइड। परऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड। इसी तरह से बेटा मैंने नाइट्रोजन लिए हैं 3, देखिए सब पॉली एटॉमिक हैं, और इसका नाम पूछा तो इसका नाम होता है एजाइड। क्या नाम है? एजाइड।
इसी तरह से सल्फर बनाता है ढेर सारे। यदि मैं सल्फर को बना के दिखाऊं, सपोज करिए एस के ऊपर, चलिए एस टू के ऊपर माइनस का दो लगाऊं, तो इसे बोलते हैं डाई सल्फाइड। चार लगा दो टेट्रा सल्फाइड एस फोर, पांच लगा दो पेंटा सल्फाइड, नौ सल्फर तक लगा सकते हो। नौ सल्फर को बोलेंगे इनिया सल्फाइड, ई एन एन आई ए, इनिया सल्फाइड। तो ये आपके पॉलीएटॉमिक है, पर किसके हैं, सेम एलिमेंट या सेम एटम्स के, इनके नाम में भी डमडम वाला डी लगता है। यानी दो समझ में आए, एक तो मोनोएटॉमिक, एक एटम यदि लिखा है तो जितने एनायंस एक एटम के, सिंगल एटम के बनेंगे उनके नाम में डमडम वाला, डॉग वाला डी लगेगा, टोमेटो वाला टी नहीं लगेगा। यदि पॉलीएटॉमिक एनायंस सेम एलिमेंट या एटम के हैं तो भी उनके नाम में डमडम वाला डी लगेगा, टोमेटो वाला टी नहीं लगेगा। तीसरे नंबर पर आइए, एक और होता है बेटा। तीसरे नंबर पे कहते हैं कि यदि आपके पास कोई पॉलीएटॉमिक एनायन विदाउट ऑक्सीजन है, यानी उसमें ऑक्सीजन नहीं है, याद रखिए, तो भी उसके नाम में डमडम वाला डी लगता है। जैसे सी एन माइनस, क्या नाम होगा, साइनाइड, ठीक। जैसे एच एस माइनस, क्या नाम होगा, हाइड्रोजन सल्फाइड या बाई सल्फाइड, दिस कॉल्ड हाइड्रोजन सल्फाइड, या कुछ लोग इसे बाईसल्फाइड भी कह देते हैं, बाईसल्फाइड, पर ज्यादा कॉमन नेम हाइड्रोजन सल्फाइड होता है। तो याद रखिए इनमें भी डमडम वाला डी लगता है, क्लियर। तो ये तो कॉन्सेप्ट था डमडम वाले डी का। आइए डमडम वाले डी के बाद अब बात कर लेते हैं दूसरे। दूसरे नंबर पर हमारे पास जो आयंस थे वो थे आइट या एट। सबसे पहली बात मैंने आपको क्या बताई थी कि ये होते हैं पॉली एटॉमिक ऑलवेज, यानी इन सभी एनायंस में याद रखिए एक से ज्यादा एटम्स होते हैं, और वो एक से ज्यादा एटम सेम नहीं होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। तो मैंने आपको एक लाइन और बोली थी, मैंने आपसे ये कहा था बेटा कि मोर देन वन, कैसा एटम, डिफरेंट एटम, सेम नहीं, कैसे होने चाहिए, डिफरेंट एटम्स होने चाहिए, ऐसे पॉली एटॉमिक होते हैं, तो पॉली एटॉमिक ऑलवेज। दूसरे नंबर पर आ जाइए, दूसरी शर्त यह है कि मस्ट है क्या होनी चाहिए, गोल गोल टोमेटो जैसी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जरूर होनी चाहिए, किसके साथ, डिफरेंट एलिमेंट यानी विद अदर एलिमेंट्स। अब ये जो अदर एलिमेंट्स हैं इनमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, ये अदर एलिमेंट आपके पास मेटल भी हो सकती है, ये अदर एलिमेंट आपके पास नॉन मेटल भी हो सकती है, और ये अदर एलिमेंट आपके पास मेटलॉइड्स भी हो सकते हैं। बस क्या होना चाहिए, ओ होना चाहिए। कहते सर मेटल के साथ कैसे बनाते, देखिए मैं आपको दिखाता हूं मेटल के साथ ZnO2-2, नॉन मेटल के साथ बना के देख लो, कोई कार्बन के साथ बना लेते हैं CO3-2। बताइए ये किसके साथ बनाया, जिंक के साथ। ये किसके साथ बनाया, कार्बन के साथ, किसके साथ, कार्बन के साथ। तो इसे बोलते हैं जिंकेट, क्या बोलते हैं, जिंकेट। टोमेटो वाला टी क्यों लगाया, क्योंकि ओ है, और इसे बोलते हैं कार्बोनेट, कार्बोनेट। टोमेटो वाला टी लगाया क्योंकि ऑक्सीजन है, तो मेटल के साथ भी बन सकता है, नॉन मेटल के साथ भी बन सकता है, यानी अदर एलिमेंट पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये मेटल भी हो सकते हैं नॉन मेटल भी हो सकते हैं, पर इनमें ऑक्सीजन होनी बहुत जरूरी है, इसीलिए हम ऐसे एनायंस को एक नाम देते हैं, दीज आर कॉल्ड ऑक्सी एनायंस। क्या कहलाते हैं, ये ऑक्सी एनायंस कहलाते हैं। ऑक्सी एनायंस का मतलब एनायंस कंटेनिंग ऑक्सीजन। तो आइट या एट इस्तेमाल करते समय आपको ये तीन बातें याद रखनी है
कि पॉलीएटॉमिक होना चाहिए, शर्त नंबर एक, यानी एक से ज्यादा डिफरेंट एटम होने चाहिए। मस्ट हैव ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जरूर होनी चाहिए किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ। और तीसरा, इसको नाम दे देते हैं ऑक्सीएनायन। ऑक्सीएनायन केवल नेमिंग्स होती है, नाम होते हैं ऑक्सीएनायन। इन इमेज जोड़ दो तो ऑक्सी एसिड्स बन जाते हैं। फिलहाल तो इनको क्या बोलते हैं, ऑक्सीएनायन। और ये दूसरे एलिमेंट में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था, मेटल हो, नॉन मेटल हो, मेटलॉइड कुछ भी ले सकते हैं। मैं बोरान ले लेता, बोरेट बन जाता है बोरान से। क्लियर है, आइए इनको सीखना चाहता हूं। अब सवाल है, सर ये आइट और एट को आप कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? तो चलिए एक नजर डाल लीजिए इस पे, फिर मैं आपको आइट और एट का डिफरेंशिएशन सिखाता हूं। एक बार देख लीजिए, मैं हट जाता हूं, आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हैं। हो गया, चलिए अब देखिए आइट और एट को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। ये बच्चों का काम है, ये क्या लिखा है, आइट, ठीक। और मैं इस आइट को बदलना चाहता हूं किसमें, एट में। तो आसान सा काम है, इस आइट को किसमें बदलना है, इस एट में। कुछ लोगों को आइट दिख रहा होगा, आइट एट, ध्यान से नजर लगाइएगा। बस आइट है यदि ये, तो आइट में एक गोल गोल ओ ऐसे लगा दीजिए। जैसे आप इसमें गोल गोल ए लगाएंगे, आप देखिए आइट किसमें कन्वर्ट हो गया, एट में कन्वर्ट हो गया। तो किसी भी आइट में एक गोल गोल ऑक्सीजन बढ़ा दीजिए, आपको तुरंत मिल जाता है एट। कैसे, ऐसे देखिए ध्यान से, NO2- इसका नाम होता है नाइट्राइट। क्या नाम होता है बेटा, नाइट्राइट। आपको कुछ नहीं करना, एक ओ बढ़ा दीजिए, कितने ओ थे, दो, एक बढ़ाया कितने हो गए, तीन। बाकी चार्ज में कोई फर्क नहीं आएगा, जैसा ये था वैसे ही है। तो नाइट्राइट से क्या मिल गया बच्चा आपको, नाइट्रेट। लीजिए आइट किसमें बदल गया, एट। जैसे फिर से आ जाओ, इसे सब पहचानते होगे, क्या नाम है, सल्फेट। क्या नाम है, सल्फेट। अब ध्यान से देखना, मैंने इसे एक ऑक्सीजन कम कर दिया, यहां पे ले आओ तो SO3-, क्या नाम बताइए, बता दीजिए, क्या नाम होगा, सल्फाइड। क्लियर है, इसी तरह से यहां जो नाम आपको पता हो आप उसे लिखिए। फास्फोरस कितना चार्ज है, माइनस का तीन, क्या हम इसे फॉस्फेट कहते हैं बेटा, क्या इसी का नाम फॉस्फेट है। इसे एक ऑक्सीजन कम कर दीजिए, क्या बन गया, PO3- का 3, क्या नाम हो गया इसका, इट इज कॉल्ड फॉस्फाइट। क्या नाम हो गया, फॉस्फाइट। क्या आपको समझ में आ रहा है बच्चा, और देखिएगा फास्फोरस की जगह कल वो आर्सेनिक लिखते, मान लीजिए AsO4, एक ही ग्रुप के हैं, माइनस का तीन, तो क्या नाम हो गया, एट। तो क्या नाम हो गया बेटा इसका, आर्सेनेट। एक ऑक्सीजन कम कर दीजिए, चार से कितनी बची, तीन, AsO3, चार्ज कितना, माइनस का तीन, क्या नाम हो गया, आर्सेनाइट। लीजिए देखिए कितना आसान होता है लिखना है। क्या समझ में आया आइट और एट को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं बेटा, पक्का? थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, इसको हटा दो। चलिए तो आपने बोला कि यदि हमारे पास कोई आइट है, क्या है बच्चा, आइट, हम इस आइट में यदि एक ऑक्सीजन जोड़ दें तो ये आइट तुरंत कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एट। लीजिए कहते सर मान लीजिए हमारा मन कर रहा था हम और ऑक्सीजन जोड़ दें, लीजिए तो क्या फर्क पड़ेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बस नाम के पहले एक नया लेटर लग जाएगा पर, तो अब इसका नाम हो जाएगा पर एट। पर रहेगा टोमेटो वाला टी, क्योंकि ये ऑक्सीजन है। कहते सर इसके पीछे चले जाए थोड़ा सा, क्या जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, यदि इससे एक ऑक्सीजन कम कर दें, किससे, आइट से, तो यहां आपको जो मिलता है उसका नाम होता है हाइपो आइट। यानी मैं ये कहूं कि किसी हाइपो आइट में एक ऑक्सीजन जोड़ दें तो क्या बन जाता है, आइट। इतने सारे हैं पर एक याद हो सारे बन जाते हैं, सर कैसे, आई कोई एक सोच ले, जैसे हमें नाइट्रेट याद था, नाइट्रेट का फॉर्मूला था NO3-, नाइट्रेट, मैंने एक ऑक्सीजन लगा दिया तो तीन से कितने हो गए, चार,
पूछ रहे नाम बताइए, पर नाइट्रेट, इसका क्या नाम है? इट इज नाइट्रेट। बस इसमें केवल पर लगा दीजिए, क्या नाम हो गया? पर नाइट्रेट। यहां पर आ जाइए भैया, ये आइट है ठीक, तो नाइट्रेट से एक ऑक्सीजन कम करना है, कितने बचे? NO2-। पूछे नाम बताइए, तो क्या बन गया? नाइट्राइट। एक और कम कर लो, क्या बचा? केवल NO-। कहते इसका नाम बताइए, तो नाइट्राइट में हाइपो लगा दीजिए, क्या नाम हो गया बेटा इसका? हाइपो। नाइट राइट लीजिए, ऐसे करके हम नाम लिखते हैं। समझ में आया है? आइए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं इसका समझने के लिए, ताकि और थोड़ा आपको ज्यादा समझ में आ जाए। चलिए मैं एक एग्जाम्पल आपको और लेके दिखा देता हूँ, लेट अस सी हियर। जरा देखिएगा, सपोज करिए एक नाम आपको कोई पता है, पता नहीं आपको कौन सा आता है, क्या मैं यहां से शुरू कर लूँ इसका? जैसे आपने लिखा CLO4-, नाम समझ ही गए क्या होगा? क्या नाम होता है? पर क्लोरेट। कहते सर मान लीजिए मैं ये नहीं आता हो तो इसके पहले वाला आना चाहिए, कोई एक आना चाहिए, बाकी बन जाते हैं। पर क्लोरेट, एक ओ कम करो भैया, क्या बना? CLO3-, क्या नाम हो गया? क्लोरेट। एक और कम कर लो, CLO2-, क्या नाम हो गया? क्लोराइट। एक और कम कर लो, क्या बन गया? CLO-, क्या नाम हो गया? हाइपो। क्लोराइट लीजिए, समझ में आया है बेटा कॉन्सेप्ट ऑफ आइट और एट? टोमेटो जैसी गोल गोल ऑक्सीजन, पॉलीएटॉमिक एनायन, ऑक्सीजन जरूर होनी चाहिए, ऑक्सीएनायंस होते हैं सारे के सारे, ये कहलाते हैं टोमेटो वाले टी। इज दैट क्लियर? तो हमने कैटायन सीख लिए हैं, हमने एनायन सीख लिए, आइए इन रेडिकल्स को मिलाएंगे, और मिला के बनाना चाहते हैं कंपाउंड्स कैसे बनाए जाते हैं। आइए आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा, और अगली हेडिंग की बात करते हैं, और हम बात कर रहे हैं किसकी? फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड्स की। प्यास लग रही है, थोड़ा पानी चाहिए था। फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड्स, कैसे बनाए जाते हैं कंपाउंड के फॉर्मूले जब हमें क्या दिए हों? फ्रॉम रेडिकल्स। रेडिकल्स वही है बेटा, आयंस। रेडिकल्स का मतलब आयंस। तो देखिए बड़ा आसान होता है बनाना। आपने कहा था कि आपके पास दो तरह के रेडिकल्स हैं, कौन कौन से? रेडिकल नंबर एक जिसे आप बोलते हैं कैटायन, रेडिकल नंबर दो जिसे आप बोलते हैं एनायन। मैंने कैटायन मान लिया तो इस पर कुछ चार्ज होगा, मैंने मान लिया इस पर वाई प्लस चार्ज है, ये एनायन है, मैंने मान लिया इस पर एक्स माइनस चार्ज है। हमेशा एक बात याद रखिएगा कि कैटायन और एनायन को लिखने का जनरल तरीका है कि जो कैटायन होता है उसे लेफ्ट साइड में, और जो एनायन होते हैं उन्हें राइट साइड में लिखा जाता है। याद रखिएगा हमेशा, कैटायंस हमेशा लेफ्ट में, एनायन हमेशा राइट में लिखे जाते हैं। यही केमिकल फार्मूला लिखने का नियम होता है। वो अलग बात है, आप कहेंगे सर सोडियम एसीटेट को लोग CH3COONA लिख देते हैं, लिख देते हैं बात अलग है बेटा, पर लिखना नहीं चाहिए। ये याद रखिए, हम कैटायन को हमेशा लेफ्ट में, एनायन को हमेशा राइट में लिखना प्रेफर करेंगे। क्लियर? अब आप इसके बाद क्या, आप इनके चार्जेस को देखेंगे बेटा। किसे देखेंगे आप? इनके चार्जेस को। ये इनके चार्जेस है, देखा? सबसे पहले इन चार्जेस को क्या करेंगे? सिंपलीफाई, और आफ्टर द सिंपलीफिकेशन, इन्हें सिंपलीफाई करने के बाद आप इन्हें क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस यानी ऐसे। आइए क्रॉस यानी एक्स इधर आएगा, वाई इधर आएगा, कर दीजिए मल्टीप्लाई, आपको मिल जाएगा आपके कंपाउंड का फॉर्मूला। और फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड क्या बना बेटा? ए के पास कौन आया? एक्स। बी के पास कौन गया? वाई। ये बना फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। मुश्किल काम है सर, ये सिंप्लीफिकेशन क्या चीज है? आइए इसी से शुरू करें। सपोज करिए मुझे कैटायन दिया गया था मैग्नीशियम, चार्ज दिया गया था +2।
एनायन दिया गया था ऑक्सीजन और चार्ज दिया गया था -2। तो हम इन्हें सीधे सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, पहले हम इन्हें क्या करेंगे, सिंप्लीफाई। कैसे, ये कितना है 2, ये भी कितना है 2। आइए सबसे पहले जरा इन्हें सिंप्लीफाई कर लिया जाए। तो सिंप्लीफाई का मतलब इन्हें काटेंगे तो क्या मिलेगा, 1 एंड 1, ये प्लस का ये माइनस का, इस 1 का मल्टीप्लीकेशन यहां क्रॉस और इस 1 का यहां क्रॉस, तो mg पर कितना आएगा 1, ऊपर कितना आएगा 1, बन गया mgO। ये नहीं कि दो इधर mg2O2 लिख दे, नहीं ये गलत होगा, क्या लिखेंगे mgO, यानी सिंप्लीफिकेशन के बाद। क्या समझ में आया बेटा क्या मतलब है सिंप्लीफिकेशन का? और एग्जांपल्स लेता हूं, एक नजर डाल लीजिए, और एग्जांपल्स लेता हूं, बना लीजिए। आइए और एग्जांपल लेके समझाता हूं आपको। जैसे उसने बोला कि आपके पास एल्यूमिनियम है चार्ज +3, नाइट्रोजन है चार्ज -3। समझ में आएगा, ध्यान से समझिएगा इसे। तो बताइए क्या ये +3 -3 आप इन्हें मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, आप इन्हें क्या करेंगे, सिंप्लीफाई। तो पहले सिंप्लीफाई कर ले भैया, इससे इसे काट दिया तो यह आ गया 1, यह आ गया 1, इस 1 को यहां लाइए, इस 1 को यहां लाइए, फॉर्मूला बन गया AlN। सही, फिर से देखिएगा एक बार, ये है टिन, चार्ज है +4, ये है O, चार्ज है -2। तो आप सबसे पहला काम सिंप्लीफाई करेंगे, ये है 4, ये है 2, 2 से डिवाइड किया ये 2 आया, ये 1 आया, -1 आया, तो 1 कहाँ आएगा यहां, 2 कहाँ आएगा यहां, तो फॉर्मूला बनेगा SnO2। इसे कहते हैं सिंप्लीफिकेशन। हालांकि जरूरत बहुत ज्यादा नहीं पड़ती सिंप्लीफिकेशन की, मैंने एग्जाम्पल जानबूझ के ऐसे लिए हैं जहां सिंप्लीफिकेशन की जरूरत आपको थी। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कुछ और फॉर्मूले बनाना सीखते हैं। लेट अस सी हियर, जैसे उसने आपसे बोला है कि फॉर्मूला बताइए क्या होगा, उसने बोला है फॉर्मूला बताइए क्या होगा कैल्शियम फॉस्फेट का। तो दो पार्ट है, यह है कैटायन, यह है एनायन, बीच से तोड़िए। हमेशा पहले किसे लिखा जाता है, कैटायन। देखिए सोडियम एसीटेट में भी आप सोडियम पहले लिखते हैं, आपने कभी ऐसे नहीं लिखा होगा एसीटेट सोडियम, सोडियम एसीटेट, मर्क्यूरिक एसीटेट, मर्क्यूरस क्लोराइड, हमेशा कैटायन का नाम पहले आएगा। तो कैल्शियम क्या होता है पहले ये बता दीजिए, सी है, और कैल्शियम पे चार्ज मैंने आपको बताया था +2 होता है, क्यों, क्योंकि भिखमंगे का यानी कैल्शियम किस ग्रुप में था, सेकेंड ग्रुप में, मैंने चार्जेस सिखाए थे आपको कैटायन। फॉस्फेट क्या होता है, फॉस्फेट होता है PO4 के ऊपर -3। सिंप्लीफाई होने की गुंजाइश नहीं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 आएगा यहां, 2 आएगा यहां, फॉर्मूला बनेगा कैल्शियम के साथ 3 और PO4 यानी फॉस्फेट के साथ 2। ये रहा कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला, क्लियर है। और देखते हैं उसने बोला है दूसरे क्वेश्चन में, बताइए कैल्शियम क्लोराइड, ध्यान से देखना, बड़ी गलती करते हैं बच्चे आपके नीट में, यानी एक बार आया हुआ है IPMT में, सॉल्ट पेपर में ढूंढिएगा, कैल्शियम क्लोराइड, टोमेटो वाला टी है बच्चा, बट इस कैल्शियम क्लोराइड, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले फॉर्मूले पढ़ाए थे, क्लोराइड क्लोरेट ये होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, कितना है ये 1, तो 1 कहाँ आएगा कैल्शियम पे, 2 कहाँ आएगा क्लोराइड पे, फॉर्मूला देखिएगा Ca और ये ClO2 पे कितना जाएगा 2, यानी इसका होल ट्वाइस, ये फॉर्मूला है कैल्शियम क्लोराइड का, पक्का। फिर से देखें, कुछ और बना के देखना चाहता हूं। कहते हैं सर फॉर्मूला क्या होगा, अमोनियम, अमोनियम नाइट्राइड का, व्हाट इज अमोनियम नाइट्राइड, तोड़िए, व्हाट इज अमोनियम, इट इज NH4+, व्हाट इज नाइट्राइड, इट इज NO2-, भाई इस पर भी +1 है, इस पर भी -1 है, यानी यहां भी 1 है, यहां भी 1 है,
इधर वन लाइए, इधर वन लाइए, कितना हो गया वन वन, यानी एक एन एच फोर एक एनओ थ्री अमोनियम नाइट्राइड, सॉरी एनओ अमोनियम नाइट्राइड। क्लियर? तो सर ये सब क्यों करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई? ताकि चार्जेस बैलेंस हो जाए। हमेशा याद रखिए जो मॉलिक्यूल बनेगा वो तो न्यूट्रल होगा, और न्यूट्रल मॉलिक्यूल में नेट चार्ज हमेशा जीरो होना चाहिए, ये बड़ा जरूरी होता है बेटा। इसीलिए हम ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके इनको बैलेंस करते हैं चार्जेस को, कि जितना प्लस और माइनस कैसे हो जाए, इक्वलाइज हो जाए, बराबर हो जाए। क्या समझ में आती है बेटा इतनी बात? और आइए एक आध फार्मूला और बना लेते हैं। जैसे उसने बोला, बताइए क्या फार्मूला होगा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम नाइट्राइड का, इसका फार्मूला बनाना है। व्हाट इज मैग्नीशियम? Mg चार्ज प्लस। व्हाट इज नाइट्राइड? N चार्ज माइनस थ्री। इसे इधर लाइए, इसे इधर लाइए, Mg को मिलेगा तीन, नाइट्रोजन को मिलेगा दो, मैग्नीशियम नाइट्राइड। ये रहा फार्मूला। उम्मीद है आपको फार्मूला बनाना समझ में आया होगा, कैसे बनाए जाते हैं फार्मूले ऑफ कंपाउंड। आइए रिवर्स करते हैं। कहते हैं यदि फॉर्मूला दिया हो आपको, सपोज करिए से आपको उसने फॉर्मूला दिया है ए एक्स बी वाई, और कहता है कि इसे ब्रेक करिए किसमें, आयोन्स, यानी कौन सा पॉजिटिव रेडिकल कौन सा नेगेटिव रेडिकल। तो आपको करना क्या, मैंने कहा था जो लेफ्ट में लिखा है वो पॉजिटिव है, जो राइट में लिखा है वो नेगेटिव। क्रॉस मल्टीप्लाई किया था ना, तो इसको इसके ऊपर पहुंचा दीजिए, इसको इसके ऊपर पहुंचा दीजिए, पहला काम। यानी ए के ऊपर कितना आएगा वाई, और बी के ऊपर कितना आएगा एक्स। लेफ्ट में ए था इस पर पॉजिटिव लगाइए, ये राइट में था इसमें माइनस लगाइए। लगा दिया आपने, पर एक बात हमेशा याद रखिए, इन चार्जेस को लगाने के बाद इनमें किसी एक को चेक कर लीजिए। कैसे? कि मान लीजिए चार्ज चाहे कुछ भी आया हो, पर यदि ये मेटल है, क्या है आप पे मेटल, तो यहां एक्चुअल जितना चार्ज होता है उसे लगाना पड़ता है। मतलब समझना इस बात को। चलिए पहले एक आध दो क्वेश्चन करते हैं। जैसे उसने बोला कि आपके पास कैल्शियम फॉस्फेट है, आयंस में तोड़ना है, तोड़ो भाई। तो ये वाला दो जो इधर है ये किसके पास जाएगा, कैल्शियम के। ये तीन किसके पास आएगा, फॉस्फेट के। तो कैल्शियम के पास आएगा दो और फॉस्फेट के पास आएगा तीन। अब बताइए कैल्शियम लेफ्ट में यानी मेटल है तो यहां आएगा पॉजिटिव, ये नॉन मेटल है तो आएगा नेगेटिव, बन गए आपके आयंस। पर कभी कभी क्या होगा, ये तो एक सिंपल सा तरीका था, मैंने आपको ब्रेक करके दिखाया, पर कभी कभी क्या होगा, क्या मैं इसे हटाऊं बेटा? देखिए कभी कभी क्या होगा, वो कहेगा आपके पास मैग्नीशियम ऑक्साइड है, अब आयंस में तोड़िए। तो आप अलग अलग करेंगे बेटा, एक लेंगे Mg और एक लेंगे O। चलिए आपने इसे अलग कर दिया, अब जरा बताइएगा Mg आपके आज तो वन ही बना रहा है ना बेटा, देखो एक ही और एक ही है। तो ये आपको सोचना है मैग्नीशियम पे चार्ज कितना होता है, प्लस टू। अब क्योंकि वन वन का रेशियो है, इधर भी वन इधर भी वन, तो जितना इधर प्लस है उतना ही इधर माइनस आना चाहिए। बिल्कुल इसी तरह से उसने बोला एल्यूमिनियम नाइट्राइड का ये फॉर्मूला है, किसका, एल्यूमिनियम नाइट्राइड का। अब कह रहा है चार्जेस बताइए, तो आप एल्यूमिनियम लिखेंगे नाइट्रोजन लिखेंगे, और देखिए यहां भी बनाएगा यहां भी बनाएगा। पर आप एल्यूमिनियम पे चार्ज होता कितना है पता है आपको, तीन होता है थर्ड का है, तो यदि यहां प्लस का तीन है तो यहां माइनस का तीन होना चाहिए। इज दैट क्लियर? यानी ये बैलेंस भी आपको कभी कभी करना पड़ सकता है। तो ऐसे बनाते हैं आयंस फॉर्मूले से। आइए एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड। कहता है फॉर्मूला ऑफ ए मेटल फॉस्फेट इज, एक मेटल फॉस्फेट का फॉर्मूला दे रहा है कि MPO4 है। तो कह रहे देन फॉर्मूला ऑफ मेटल क्लोराइड क्या होगा। आसान सा सवाल है। तो आप सबसे पहला काम क्या करेंगे,
ये आपके पास मेटल का फॉस्फेट है, ब्रेक करिए ऐसे, देखो तो इस पे भी वन है, इस पे भी वन है, तो ये मेटल बन गई और ये फॉस्फेट बन गया। अब ये बताइए, मेटल तो हमें पता नहीं कौन सी है, पर फॉस्फेट हमें पता है कितना चार्ज रखता है, माइनस, और दोनों पे बराबर है, तो इसका मतलब मेटल पे आपको कितना लगाना पड़ेगा, प्लस तीन, क्योंकि पूरा न्यूट्रल होना चाहिए, तो फॉस्फेट पर होता है माइनस तीन, तो मेटल पर अपने आप हो जाएगा कितना, प्लस का। तो आपको मेटल मिल गई। अब आपसे कह रहे हैं मेटल के क्लोराइड का फॉर्मूला बताइए, जरा ये बताइए कि सीएल पे कितना चार्ज होता है, माइनस का वन। अब ये मेटल है, ये क्लोराइड, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या फॉर्मूला बन गया बेटा मेटल के क्लोराइड का, फॉर्मूला बन गया MCl3। सोचिए क्या समझ में आया है क्वेश्चन, फिर देखना। मैंने इसे तोड़ा, एम भी एक मिला, पी ओ फोर भी एक मिला, वन ही वन टूटेंगे क्योंकि तीन तो मैंने बेटा बाद में लगाए हैं। बोलो भाई क्या समझ में आती है बात। अब ये सोचना है क्या फॉस्फेट पर एक चार्ज होता है, नहीं, माइनस तीन होता है, तो मेटल पर भी उतना ही होगा पॉजिटिव का। क्लियर है क्वेश्चन, समझ में आया है। चलिए आइए, हमारे पास थोड़े क्वेश्चंस हैं करने के लिए, लेकिन कुछ चीजें मुझे और भी आपको सिखानी है, तो मैं यहाँ पे आपको एक छोटी सी इंपॉर्टेंट सी ट्रिक बताता हूं। ऐसी ट्रिक विच इज जनरेटेड बाय के सर, इसलिए इसमें दो के आते हैं मेरी ट्रिक में, जो के सर की ट्रिक होती है उसमें हमेशा दो के होते हैं। देखिए ट्रिक क्या कहती है, कहती थी आपके पास कोई मेटल है और आप उस मेटल से कोई एलिमेंटाइड जोड़ दें। अब आप जानते हैं एलिमेंटाइड क्या होता है, और इस मेटल एलिमेंटाइड की रिएक्शन करा दें वाटर या किसी एसिड, किसी से भी। तो छोटा सा काम करना है आपको, इस एलिमेंटाइड वाले एलिमेंट को लेना है, हाइड्रोजन के साथ जोड़ देना है, इस मेटल को उठाना है और OH के साथ लगा देना है, तो आपको हाइड्रोजन जुड़ेगा एलिमेंटाइड पर, तो आपको मिलेगा हाइड्राइड। किसके साथ, एलिमेंटाइड वाले एलिमेंट के साथ, तो हाइड्राइड ऑफ एलिमेंट, और प्लस मेटल से कौन जुड़ जाएगा, OH, तो मेटल का आपको क्या मिलेगा, हाइड्रोक्साइड। जब भी रिएक्शन को बैलेंस करना हो तो पहले मेटल के हाइड्रोक्साइड बना के बैलेंस करिए, आसान होता है बैलेंस करना। हालांकि तरीके बहुत सारे होते हैं बैलेंस करने के, पर सबसे आसान यही, कोई भी मेटल ले लो बेटा, सपोज मैंने मेटल कौन सी ले ली, मैग्नीशियम, कोई भी एलिमेंटाइड ले लो, नाइट्रोजन का नाइट्राइड ले लिया, फॉर्मूला है Mg3N2, मेटल ले ली एल्यूमिनियम, कार्बाइड ले लेता हूं तो Al4C3 एल्यूमिनियम का कार्बाइड, फॉर्मूले आप बना ही लेंगे, कार्बन पर माइनस चार था, एल्यूमिनियम पे प्लस तीन था, क्रॉस मल्टीप्लाई। इसकी भी रिएक्शन कराई किसके साथ, वाटर के साथ, इसकी भी रिएक्शन कराई किसके साथ, वाटर के साथ। अब जरा देखिएगा ध्यान से और ध्यान से समझिएगा इसको, ये मोनो एटॉमिक होते हैं, नाइट्राइड एन पर माइनस तीन चार सिखाया था, कार्बाइड माइनस चार चार, आपको करना क्या है, ये मैग्नीशियम है, ये एल्यूमिनियम है, इनके हाइड्रोक्साइड बनाइए। तो व्हाट इज हाइड्राइड ऑफ मैग्नीशियम, इधर लिख रहा हूं MgOH का होल थ्राइस, एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड बनाइए AlOH का होल थ्राइस, बैलेंस करिए, कितने मैग्नीशियम है तीन, कितने एल्यूमिनियम है चार, बस काम कर। ऑक्सीजन जोड़िए जरा इधर, कितने ऑक्सीजन है, दो इंटू तीन छः, जितने ऑक्सीजन उतने बार ऑक्सीजन के लिए, तीन इंटू चार बारह, तो यहाँ बारह हो गया। अब ये जो दो नाइट्रोजन है ये छह हाइड्रोजन से, ये जो बारह हाइड्रोजन है ये चार से जोड़िए, तो मोनो एटॉमिक यानी N लिखेंगे, मोनो एटॉमिक यानी C लिखेंगे, तो हाइड्रोजन जोड़ेंगे तीन, दो अमोनिया जी, इससे बारह जोड़नी है तीन से, तो CH4, मेथेन बनेगा, अमोनिया बनेगा। क्या ट्रिक आपको समझ में आई बेटा, थोड़े से क्वेश्चंस हैं मैं आपको दे देता हूं करने के लिए, देख लीजिएगा एक बार क्वेश्चंस, मैं सॉल्व करूंगा अगली क्लास में इन क्वेश्चंस को, आप क्वेश्चंस देखिए, एक मिनट में 30 सेकंड के अंदर क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं, क्वेश्चंस आपके सामने हैं बेटा, मैं नहीं करा रहा हूँ आपको दे रहा हूँ, मैं अगली क्लास में सारे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। PS1 प्रैक्टिस शीट 1, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री की आपके सामने, दो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तीन और चार आपके सामने हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 7 और 8 आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 7-8 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 और 9 आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है। ठीक है बेटा, ये 12 क्वेश्चंस हैं PS1 के, ठीक है, हो गए हैं। आइए PS2 पर, प्रैक्टिस शीट नंबर 2 है, सेम क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने। अच्छा, आंसर्स तो लगे हैं, आपको मेहनत भी नहीं करनी है, लीजिए बोल्ड में जो लगे हैं वही आंसर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आपके सामने, स्क्रीनशॉट ले लेके आप सॉल्व कर लीजिएगा इन्हें। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 आपके सामने है, ठीक है, 5 और 6, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 9 और 10, क्वेश्चन नंबर 11 और 12 आपके सामने। क्वेश्चंस आपके पास हैं, आप इन्हें सॉल्व करिए। अगली क्लास में आई विल डिस्कस द क्वेश्चन और साथ में शुरू करेंगे सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। आज केवल यहां तक, थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।